नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा तिवारी और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। वक्त हो गया है खेल के कुछ खास खबरों का। अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान इंग्लैंड में अगले साल होने वाले टूर्नामेंट द 100 के ड्राफ्ट में बिकने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। टूर्नामेंट के पहले सीजन में 8 टीम हिस्सा लेगी। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली अगले महीने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं जा पाएंगे। हसन की पीठ में चोट है, उन्हें 4 हफ्ते और आराम की सलाह दी गई है। विश्व कप के बाद से ही हसन टीम से बाहर चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे में 3 से 29 नवंबर के बीच 3 T20 और 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। ब्रिटेन के एंडी मरे ने यूरोपियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। उन्होंने 31 महीने के बाद कोई ATP टूर्नामेंट अपने नाम किया है। मरे ने बेल्जियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिका को 3-6, 6-4 से हराया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने करोड़ों प्रशंसकों की बदौलत फुटबॉल से ज्यादा कमाई इंस्टाग्राम पोस्ट से कर लेते हैं। उन्होंने पिछले साल भर में पेड इंस्टाग्राम पोस्ट से करीब 340 करोड़ रुपए की कमाई की है, जबकि जुवेंटस क्लब में उनका सालाना पैकेज 242 करोड़ रुपए का है। उमेश ने सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उमेश यादव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 10 गेंद पर 310 की स्ट्राइक रेट से 31 रन बनाए हैं। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इसी तरह के खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।